ओम सैनी साहब, जरा ये बताइए, आम हम एक आम किसी बच्चे से पूछिए, घर में पूछिए, तो उसको रिजर्वेशन में सिर्फ एक ही चीज नजर आती है कि ये नौकरी पाने का जरिया है, जबकि रिजर्वेशन जो है वो नौकरी पाने का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। रिजर्वेशन उस सामाजिक उत्थान की बात कह लीजिए, समाज के जो पिछड़े लोग हैं उनको ये टोटैलिटी में देखना होगा। तो एक तो आपसे इस पे कुछ समझना चाहेंगे, क्योंकि जो समाज के छूटे पिछड़े लोग हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उनकी महिलाओं की स्थिति, उनके यहाँ पढ़ाई की स्थिति, उनके किसी भी पैरामीटर पे वो पिछड़ गए हैं। तो ये कई लोगों को लगता है कि अरे अरे भाई, रिजर्वेशन का मतलब तो केवल नौकरी, तो ये नौकरी पाने का कोई एक जरिया नहीं है, एक चीज। दूसरा, एक चीज आपसे और समझना चाहते हैं, राजस्थान में हाल के दिनों में जो सबसे मतलब कांग्रेस के पास जो मैं ये कहूंगा जो सबसे एबल प्रशासनिक जिसके पास अच्छे ढंग से चला रहे हैं वो अशोक गहलोत है। पॉलिटिकल उसका अच्छे में कहिए बुरे में कहिए, कैसे चलाना है, कैसे ठंडा करना है, कैसे गर्म करना है, और वो ओबीसी हैं, माली जात से आते हैं अगर मैं गलत नहीं हूं। तो ये तो हाँ हाँ तो ये तो प्रूवन है कि अगर मौका मिल रहा है तो वन ऑफ द बेस्ट बघेल, ये मतलब ये लोग प्रूव कर रहे हैं कि इनसे अच्छा कोई नहीं। कांग्रेस के बेस्ट चीफ मिनिस्टर में अशोक गहलोत थे, कांग्रेस के जो जनरल सेक्रेटरी बने तो गुजरात में, मतलब जहां जहां अशोक गहलोत गए उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। तो दो चीजें, क्या आरक्षण केवल रोजगार का जरिया है या ये टोटैलिटी में सामाजिक उत्थान की बात करता है, और जरा अशोक गहलोत के ऊपर भी कि वो कितना प्रभावित करते हैं ओबीसी वोट को राजस्थान। आनंद जी, आप जो बात कह रहे हैं वो दरअसल अशोक गहलोत राजस्थान में उसको अपनी जो गारंटीज का सिलसिला है, और जो गारंटीज बेस्ड है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पर, जिनका कि जिक्र होता नहीं है और उनको सिर्फ ऐसा अलग थलग करके देखा जाता है, लेकिन जरूरी है कि जिस तरह का समाज हम बनाना चाहते हैं, जिस तरह की लोगों को राहत हम देना चाहते हैं, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में छिपा हुआ है। और उसी के लिए जो ये जो गारंटियां दी है, महिलाओं को दी है, स्टूडेंट्स को दी है, और क्या दूसरे बुजुर्गों को दी है, और सारे के 7-8-10 गारंटियां हैं जिनका किसी बड़ा लंबा छोड़ा है, तो वो बड़ा इफेक्टिव हो रहा है और उनकी चर्चा हो रही है, उनको लेकर के चिंतित हो रहे हैं जो ये एनडीए के जो नेता हैं, खासतौर से प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी, इस बात को लेकर के काफी आतंकित हो चुके हैं। यही वजह है कि कल बघेल साहब के वहां जाकर के घोषणा पत्र का जो सिलसिला कर रहे थे, उसका उसके साथ में कास्ट सेंसस को लेके आ गए वो, क्योंकि यही सारी जातियां जो वंचित की तरह से थी, जिनको उस तरीके से सारा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा, क्योंकि उनका पता ही नहीं कि उनकी ताकत कितनी है, उनका हिस्सा कितना है। एक कमाल तो नीतीश जी ने कर दिया कि उस खट से एक सर्वे करवा करके और सारा कर दिया, वरना तो ये तो सच है कि जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना जवाब दिया था उसके मुताबिक तो ये सब कुछ होना ही नहीं था। और उनकी, लेकिन अब उनको लग रहा है कि हर जगह इसी तरीके की चीज महक रही है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो, सब जगह ये बात फैल रही है। तो उसके हिसाब से उनको मजबूर हो गए इन बातों के लिए कि ये करना पड़ेगा। और ये सिर्फ, आप सच कह रहे हैं, ये सिर्फ नौकरी के लिए नहीं है, ये एजुकेशन के लिए भी है कि सामाजिक व्यवस्था में आपकी स्थिति क्या है, आप कैसे किस लेवल पे जी रहे हैं, आपका जीवन यापन कैसे हो रहा है, इन सब बातों को देखने का सिलसिला भी है। और ये सारी चीजें राजस्थान में अशोक गहलोत ठीक से कर पा रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि वो ये जो हमारे यहाँ ईडी और इनकम टैक्स और ये सब एक साथ टूट पड़े हैं, सरकार पे टूट पड़े हैं और उन लोगों पे जो सरकार में काम कर रहे हैं, सरकार के मददगार हैं, उन पर टूट पड़े हैं। उसका कारण ये है कि लोगों को डेबिट करना चाहते हैं, इन सब चीजों से अलग करना चाहते हैं वो, लेकिन वो कारगर नहीं हो पा रहा। और वो मुझे यूं लग रहा है कि अगर ऐसी हवा बन रही है, आपने ठीक शब्द इस्तेमाल किया है कि जिस तरह से पूरे पांचों राज्यों में जिस तरह की हवा है, वो हवा निश्चित रूप से बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे कि एक जमाने में जनता पार्टी की हवा चली थी, और लोग अंदाज भी लगा पा रहे थे कि ऐसा क्या हो रहा है। लेकिन ये जातियों के जनगणना के सवाल या सर्वे के सवाल से जो चीजें बनी हैं, उभरी हैं, वो अपील कर रही हैं लोगों को, और अवचेतन में कर रहे हैं, चेतन में तो कर जो कुछ कह रहे हैं बोल नहीं पा रहे हैं, वो आश्चर्यचकित हैं कि हाँ ये भी हो सकता है,
हमारा इतना बड़ा समूह, हमें कुछ भी नहीं मिलता। तो सब 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 एक तरीके से डिमांडिंग उसमें चले गए हैं कि ज्यादा से ज्यादा हिस्सा उनको मिले। और वो जो एक सूत्र आप बता रहे हैं जो लोहिया जी का था या काशीराम जी का था, कि जितना जितनी बड़ा उसका उतना हक, वही सारा बात लोग समझते कि हाँ ये हुई ना बात, ये कोई मीनिंगफुल बात हुई कि जिसका जितना हक होना चाहिए वो मिलना तो चाहिए, वो मिल ही नहीं रहा है। तो SC ST को तो आप एक जमाने से दे रहे हैं, हर 10 साल बाद में आप उसको रेजुलेशन पारित करके आगे चढ़ा संशोधन करके आगे चला देते हैं, लेकिन बाकी जातियों के साथ में सिलसिला नहीं है। अब उन जातियों के साथ में इन सब चीजों का अगर तुलना होगी और सामने सच सामने आएगा तो चीजें बहुत अलग किस्म की हो जाएंगी। तो ये तो दृश्य है इस बात पर जो आप बता रहे हैं कि, लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी भाप गए हैं इस बात को, और उन्होंने इसीलिए सारा कहा कि हम लोग इसके विरोधी नहीं है लेकिन इसको हम सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे, हम इसको जनमानस के बीच में ले जाने के लिए अपनी कमेटी बना के, जो आपने आज रिपोर्टेड भी है, इंडियन एक्सप्रेस में भी देखा मैंने, तो वो करने की बात कर रहे हैं। अपना आश्वासन देना चाहते हैं, और आश्वासन पर लोगों का यकीन नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि मोदी जी कह दिया मोदी है तो यकीन है, मतलब मोदी जी अगर कहते हैं तो अब मोदी जी गारंटी दे रहे हैं। आजकल जिस तरीके से अशोक गहलोत ने गारंटी दी है तो वो मोदी जी गारंटी दे रहे हैं कि मोदी की गारंटी है। वो देखा ना, 15 लाख तो हमारी जेब में आ गए, 2 करोड़ नौकरियां हमें मिल गई और सारे अमन चैन का सिलसिला है, कोई दिक्कत है नहीं, लोग पांव रगड़ते रगड़ते चले गए अपने घरों पे, और कैसे कैसे कोविड के वक्त में जो हाल हुआ सब लोगों के सामने है। ऐसे में ये कैसे बोल लेते हैं, सोच के आश्चर्य होता है कि लोगों को इतना अंधा समझते हैं क्या कि इनके पास में कुछ भी नहीं है, ना मेमोरी है, न इनको अनुभव याद ही नहीं रहता कि किस तरीके से सारा सिलसिला है कैसे। तो ये मुझे लग रहा है कि आप जो आकलन कर रहे हैं, और आप जो अगर आप राजस्थान की तरफ निकलेंगे या फिर आगे निकलेंगे तो आपको पता लगेगा राजस्थान में सब क्या हो रहा है। अजीत अंजुमा भी घूमे, उनको भी पता है, उन्होंने भी काफी कुछ देखा है। बाहर से लोग आ रहे हैं और देख रहे हैं कि कोई अचानक एक बड़ी अंदर ही अंदर एक लहर चल रही है जो शायद इनको महसूस हो गई है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं। तो कोई जातीय दंगे ना हो जाए इसका एक जरूर सिलसिला है कि इनके पास में दूसरा हथियार यही है। वो पहले उन्होंने करौली में इस्तेमाल किया, जयपुर में इस्तेमाल किया, उदयपुर में इस्तेमाल किया और जोधपुर में इस्तेमाल किया, लेकिन हर जगह ये फटने से पहले ही नष्ट हो गया। तो सब जिनको दंडित करना था, पकड़ना था, सब कर करा लिया, तो इनका कुछ चल नहीं रहा है। मुझे लगता यह है कि अगर जातीय दंगे वंगे नहीं हुए और ठीक से अगर चुनाव का ये क्या कहते हैं मतदान हो गया तो भारतीय जनता पार्टी को और उनके गठबंधन को लेने देने पड़ जाएंगे, वो सामना सामने दिखने लगा है। अब बोलने को कुछ भी नहीं है सचमुच में, सारी सारे सारे जनमानस अब मुखर होने लगे हैं, अपनी बात खुल करके कहने लगे। जो पहले शांत रहते थे, अब आप निकलिए गांव धानी में तो आपको पता लगेगा हर कोई बोल रहा है कि गारंटी ये जरूरी है। 500 रुपए का सिलेंडर अगर मोदी जी 600 रुपए में दे रहे हैं तो 500 रुपए अशोक गहलोत दे रहे हैं तो हम 500 रुपए का लेंगे, 600 रुपए का लेंगे। वो महिला वो 25 लाख के संजीवनी वाला दे रहे हैं, वो उधर 15 लाख की बात करते हैं, तो वो लेंगे या ये लेंगे? जब हमें बेहतर कहीं मिल रहा है तो हम आपका क्यों लेंगे, हम तो वो लेंगे। इस तरह की बातें होने लगी है। महिलाओं को 10,000 रुपये और लड़कों को जो स्कूल में कॉलेजेस में जा रहे हैं उनको लैपटॉप देने का जो गारंटी, वो कहते हैं तबीयत खुश हो रही है उनकी, हाँ ये हम इसी राज को देंगे। ये सबसे ज्यादा इस वक्त जनसंख्या इनकी ज्यादा तादाद है जो नए नए मतदाता है, और 1% पे सारा सिलसिला बदलता है, और जितने सर्वे अरवे हैं वो 4-5% का एरर बता रहे हैं। तो एरर बताने के बावजूद मैं कह रहा हूँ कि अगर 1% से ज्यादा बढ़ गया तो राजस्थान में वही हाल होगा जो अशोक गहलोत कह चुके हैं कि 156 लेके आएंगे हम 200 में से, और 156 मिले या ना मिले, लेकिन ये तय है कि खुल करके मैं बहुमत की सरकार आसानी से मिल जाएगी जो काफी अरसे से नहीं बनी है राजस्थान में। जी ओम साधी साहब, समय खत्म हो गया, लेकिन एक बहुत जल्दी से, क्योंकि थोड़ा विषय से आगे बढ़ रहे हैं, ये केजरीवाल साहब की गिरफ्तारी अगर होती है तो क्या ये गेट खोल देगी विपक्षी, क्योंकि पहली बार एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर की गिरफ्तारी अगर करती है सरकार तो क्या आपको लगता है उसके बाद जो भी विपक्षी चीफ मिनिस्टर हैं उनकी गिरफ्तारी भी एक एक करके ये सरकार शुरू करेगी, क्योंकि ये वाटर टेस्ट कर रहे हैं ऐसा मुझे लगता है। ओम सैनी साहब, देखिए बड़ा खतरनाक होगा ये, बिल्कुल एक अगर एक्सपेरिमेंट के रूप में भी कर रहे हैं इसका क्या रिएक्शन होता है। रिएक्शन का मतलब है कि डेमोक्रेसी पर आप
अजीब तरीके से आक्रमण कर रहे हैं, आपने सारी कैबिनेट को अंदर करके डाला हुआ, चीफ मिनिस्टर को भी डाल रहे हैं, तो फिर कौन बचेगा? फिर अशोक गहलोत भी पकड़े जाएंगे, फिर बघेल भी पकड़े जाएंगे, फिर ममता भी पकड़ी जाएंगी। तो ये तो एक मूवमेंट है जो तत्काल खड़ा होना चाहिए, फिर पूरा देश खड़ा हो सकता है इसके लिए, बता रहा हूँ मैं आपको। तो ऐसा दुस्साहस करने की बात वो कर नहीं सकते। और ये जो केजरीवाल ने जिस तरीके से चुनौती दी है, और जी केजरीवाल ने जिस तरीके से आरोप लगाया है कि राजनीतिक तरीके से आप बदला लेना चाहते हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं, तो अगर ऐसा हुआ और इसके लिए अगर देश खड़ा नहीं होता, तो देखिए मैं नहीं समझता कि इतनी मुर्दा सोसाइटी है हमारी, ऐसा कुछ होने पर तो लोग निश्चित रूप से खड़े होंगे और जवाब मिलेगा। ये इसको बर्दाश्त किया नहीं जा सकता, जी क्योंकि ये तो जी सब पे जी आएगा फिर, तो सारी जगह से लोग सारे काम छोड़ के इसके लिए जुट जाएंगे, और इंडिया संगठन इसके लिए खड़ा होने में ज्यादा मदद करेगा इस बार। और लगातार वो लोग बोले और खड़े हो जाएं, ये जरूरी है। खामोशी से इसको बर्दाश्त करना ठीक नहीं होगा। ये तय है कि केजरीवाल कोई ऐसी शख्सियत नहीं है कि जिनको आप किसी आइडियल रूप से देख सकें। वो बड़े ऑपरचुनिस्टिक टर्न लेते रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव काम उन्होंने बहुत बेहतर किए, इसमें कोई इंकार नहीं कर सकता, लेकिन अपने ऑपरचुनिस्टिक करेक्टर की वजह से वो उस तरीके से सब में लोकप्रिय नहीं है। लेकिन ऐसे वक्त में जब डेमोक्रेटिक उस सेटअप पे कोई आक्रमण कर रहा है, तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, और ये हमारे सबके खिलाफ। और कोई नहीं करे तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देनी चाहिए कि क्या हो रहा है। आप एक 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 प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को इस तरीके से पकड़ के ले जाने की बात कर रहे हैं, तो समझ में नहीं आता। जी जी जी